हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके बेस का जो डैमेज की कॉस्ट होती है, यानी कि रेडिंग की कॉस्ट होती है, वो बढ़ा सकती है एंड आपके बेस को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यार, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, कोई भी पार्टिसिपेट मत करना एंड चैनल पर जो भी ना हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इस डिवाइस के बारे में पता चल सके। वैसे तो ऑलरेडी बहुत ही मतलब लोगों ने ऐसे बना रखा है लेकिन एक्सप्लेन किया कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपका भाई पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला है कौन सा डिवाइस का प्रॉपर क्या काम है एंड किस चीज़ पे यूज़ होने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं मतलब कि वीडियो में बढ़ते बढ़ते आपको ये सारी सेटअप भी करना बता दूंगा। फिलहाल अभी जानते हैं कौन सा डिवाइस का क्या काम है। सबसे पहला डिवाइस है रिएक्टर, आपको ऐसे स्क्रीन में दिख रही है। रिएक्टर का बेसिकली काम ये होता है कि ये पावर प्रोड्यूस करता है। जैसे नॉर्मली अपन जनरेटर में फ्यूल डालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या नाम है बिजली ले सकते हैं, लेकिन इसमें अपन एनर्जी का सोर्स डालते हैं जो कि एनर्जी रिफाइनर से यूज़ होता है ना। एनर्जी रिफाइनर है, एनर्जी ओआरई डालेंगे एंड उसमें से अपन निकाल सकते हैं जो भी सामान होता है, एनर्जी का सोर्स एंड एनर्जी का क्वार्टर्स। ठीक है, एनर्जी का जो सोर्स होता है बेसिकली इसे अपन फ्यूल जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक विद्युत जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इसमें, जिससे कि हम लोग बड़ी बड़ी जो मशीन होती है जैसे कि एनर्जी कंट्रोल डिवाइस, एनर्जी रिफाइनर एंड आपका डीप रिफाइनर एंड बाकी एनर्जी आर्मर वगैरह, जो जितना भी सारा सामान है एक ही डिवाइस के अंदर आप सारा चीज़ कनेक्ट करके आराम से यूज़ कर पाओगे बिना फ्यूल यूज़ किए, यानी कि बिना अपना इन्फ्रा फ्यूल होता है जो पेट्रोल होता है उसका यूज़ किए बिना, क्योंकि ये हाई लेवल पे अपना एनर्जी जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सी चीज़? आपका रिएक्टर। तो ये है पावर सोर्स, एक हिसाब से बोला जाता है ये पावर सोर्स है। तो आपका दूसरा डिवाइस आता है गाइस, एनर्जी कंट्रोल डिवाइस। एनर्जी कंट्रोल बेसिकली एनर्जी वाल गार्ड, एनर्जी वाल गार्ड आउटर वाल होता है ना, उस पर आर्मर है, उस पर काम आता है। फिलहाल आपको एनर्जी आउटर वाल के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपको एनर्जी कंट्रोल डिवाइस के बारे में बताऊँगा। फिलहाल गाइस, एनर्जी आउटर वाल आर्मर जो है, जैसे भी कोई हम लोग आर्मर, जैसे आर्मर जो है क्या है अपने को डैमेज कम देती है, यानी कि जितना भी डैमेज होता है पहले अपने ऊपर लेती है, उसके बाद अगर वो टूटती है तो आपको पड़ती है, ऐसा रहता है नॉर्मली। तो वैसे ही एनर्जी का जो आउटर वाल आर्मर होता है, तो कोई भी वाल रहेगा चाहे कोई भी हो, चाहे स्टोन आयरन स्टील टाइटेनियम जो भी हो, उसका डैमेज बढ़ा देती है। वो पहले अपने ऊपर डैमेज लेगी, उसके बाद जो वाल पे है ना उस पर डैमेज पड़ेगी। तो नॉर्मली इसका जो भी है उसके प्रोसेस में आगे बताऊंगा। अब फिलहाल अभी बात करते हैं गाइस एनर्जी कंट्रोल डिवाइस। बेसिकली ये जो डिवाइस है एनर्जी वाल, जो एनर्जी आउटर वाल आर्मर है उसके लिए बना हुआ है। इसमें अपन सोर्स डालते हैं एनर्जी सोर्स, उसके बाद इसे हम लोग जो एनर्जी वाल है वो चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद अगर हम लोग उस पर बॉम्ब लगाते हैं तो जितना भी है वो एक शील्ड क्रिएट करके उसी में डैमेज ले लेती है जितना भी उसका कैपेसिटी है। उसके बाद आपको आपका जो वाल होता है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है। अगर आप वेट करते हो तो वापस अपने आप को रिपेयर कर लेती है, फिर से वो काम करती है। तो फिलहाल ये ऐसा काम करता है। एंड नेक्स्ट डिवाइस है गाइस आपका एनर्जी रिफाइनिंग डिवाइस। आपको तो सभी जानते हो एनर्जी रिफाइनर, तो एनर्जी ओ आर इसको इसमें डालो एंड रिफाइन करो, उसे क्या मिलेगा? एनर्जी क्वार्टर्स मिलेगा एंड एनर्जी सोर्स मिलेगा। एंड इसके बाद आता है डीप रिफाइनर। डीप रिफाइनर के बाद तो आप सभी लोग जानते हो, जिससे टाइटेनियम ओआरई को स्मेल्ट करके टाइटेनियम से आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल अपना यहाँ पर सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली, जैसे कि आपको एक आपको एनर्जी ओआरई चाहिए, आपको टाइटेनियम चाहिए, दो चीज़ चाहिए अगर आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है तो। फिलहाल गाइस आपको मेन मेन सामान है रिएक्टर चाहिए, सबसे पहले आपका आता है रिएक्टर चाहिए, उसके बाद एनर्जी कंट्रोल डिवाइस चाहिए, उसके बाद चाहिए एनर्जी वाल गार्ड। भले आपके पास टाइटेनियम है तो भी चलेगा, टाइटेनियम तो नेक्स्ट लेवल रहता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी ये काम करेगी एंड सब में काम करेगी, चाहे आपके पास आपका जो बेस है वुड का हो, स्टोन का हो, आयरन का हो, किसी का भी हो, सब पे काम करेगी। एंड चलो अभी फिलहाल स्टेप बाई स्टेप इसका प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले यार आपको रिएक्टर के पास जाना है एंड उसमें जो फ्यूल है यानी कि सोर्स, तो सोर्स को डालना है, एनर्जी सोर्स को डालोगे फिर रिएक्टर चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद आप सोर्स में डालने के बाद आप स्लॉट सेलेक्ट करो कि कौन कौन सा डिवाइस आप चालू करना चाहते हो, तो उसमें ऑलरेडी दिखा देगा आपके पास जो भी डिवाइस होगा उसको कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कनेक्ट करोगे तो बाकी आपका जो दूसरा डिवाइस है वो भी चालू हो जाएगा। फिर जब दूसरा डिवाइस चालू हो जाएगा यानी कि अपना
कंट्रोल डिवाइस चालू हो जाएगा एनर्जी कंट्रोल, तो उसमें भी चार्ज देना है सोर्स। जैसे सोर्स डालोगे उसके बाद आप एनर्जी आउटर वॉल गार्ड जो है वो लगा सकते हो। तो ये लगाने के बाद यार थोड़ी टाइम लगेगी, लगभग 15-20 सेकंड उतना में चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने के बाद अगर आप डैमेज डील करोगे चाहे किसी पे हो तो पहले अपने ऊपर लेगी जब तक उसकी कैपेसिटी होगी तब तक। जैसे ही उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको मेन जो वाल होता है उस पर डैमेज होना चालू करेगी, तो एक हिसाब से ये आर्मर बना लेगा यानी कि शील्ड बना लेगा। तो ऐसा इसका काम होता है। फिलहाल इसका मैं डैमेज टेस्ट अभी आगे दिखा देता हूँ कि कितना पे क्या डैमेज पड़ता है, यानी कि अगर आप आयरन पे डोर या फिर वॉल पे लगाते हो तो कितना डैमेज आपको मतलब एक्स्ट्रा आपको बम लगानी पड़ेगी, या फिर टाइटेनियम के कितना एक्स्ट्रा वॉल या फिर डोर पे एक्स्ट्रा अपने को सीफोल्ड लगानी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी किसका क्या प्रोसेस है, किसका क्या काम होता है। एंड ये चीज़ें अगर आपको आपके सर्वर में मिलती है तो आप ज़रूर से इसको ट्राई करना एंड इसका भाई फ़ायदा उठाना, क्योंकि ये बना ही फ़ायदा उठाने के लिए। सबका कॉस्ट वगैरह सारा का सारा चीज़ मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है कि इसमें क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। आपको समझ नहीं होगा तो एक बार और फिर से देख सकते हो। एंड फॉरनर भाई लोगों के लिए भी मैं स्टफ टाइटल डालने का ट्राई करूँगा, या फिर थोड़ा बहुत तो मैं सब डाल ही दूंगा ताकि आपको समझ आ सके आप लोगों को। फिलहाल गाइस आज वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय।